जेडीयू में टूट की आशंकाओं के बीच पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शरद यादव के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई को टाल दिया है। पटना में शनिवार को जेडीयू के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन था। नीतीश गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जवाब में शरद गुट ने जन अदालत बुलाई और आरजेडी के साथ गठबंधन जारी रखने का फैसला किया। पटना में लगे शरद यादव के पोस्टर भले ही नीतीश कुमार के पोस्टर से छोटे हों, मगर इतने छोटे भी नहीं कि उनको नीतीश कुमार नज़रअंदाज कर पाते। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दो मुद्दों पर बुलाई गई थी। पहला मुद्दा शरद यादव के बगावती तेवरों का इलाज करना और दूसरा एनडीए में शामिल होने के प्रस्ताव को पारित करना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार दूसरा प्रस्ताव पास कराने में तो कामयाब रहे, मगर मौके की नज़ाकत को देखते हुए पहला वाला प्रस्ताव टाल दिया गया। लोग कह रहा जनता दल यू टूटेगा, है ताकत तोड़ लो, है ताकत तोड़ ली, टूटने का प्रावधान है। दो तिहाई सांसद, दो तिहाई विधायक अगर मिलकर तोड़ दें टूट जाएगी पार्टी, तोड़ लीजिए। कहने को तो नीतीश कुमार ये कह गए कि जिसके अंदर हिम्मत हो वो पार्टी तोड़कर दिखाए, मगर वो चाहकर भी शरद यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। पटना में ही जेडीयू के शरद गुट ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। ये थी नीतीश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जवाब में शरद यादव की जन अदालत। बिना नाम लिए शरद यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों एमएलए और सैकड़ों एमपी बनाए हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। हजारों एमएलए बनाए, सैकड़ों एमपी बनाए, कोई परवाह नहीं, कौन साफ है कौन नहीं है। सच्चाई के लिए जो हमारे पुरखों ने राह दिखाई है। जन अदालत में बोलते बोलते शरद यादव थोड़ा भावुक भी हो उठे। यानी जो घर बनाया था अंत में जो घर शेष बचा था मेरे पास, उसको भी लोग जो कह रहे हैं वो आपका नहीं, उसको भी कह रहे हैं ये घर आपका नहीं। सुन गया, मैं दौरा कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं अभी दौरा। जेडीयू ने पहले कहा था कि 19 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद यादव पर फैसला लिया जाएगा, मगर इस बैठक में शरद यादव पर होने वाली कार्रवाई को टाल दिया गया। दरअसल नीतीश कुमार जेडीयू में शरद यादव की पैठ को अच्छी तरह समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि विधायक दल की एक छोटी सी टूट से उनकी सत्ता हिल सकती है। अब सबकी निगाहें 27 अगस्त को लालू प्रसाद यादव की पटना में होने वाली रैली है। आरजेडी ये दावा कर रहा है कि बिहार की राजनीति में 27 अगस्त के बाद एक बड़ी हलचल होगी। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।